भूल हो गई हमारे यहाँ। वह भूल की किसने? आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है। क्या भूल की? उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत ये भागवत सब कल्पित है, वेदों में इनका कोई प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने कहा। राम भद्राचार्य ने महर्षि दयानंद जी के ऊपर गंगा की सौगंध खाते हुए बहुत बड़ा झूठ बोला, मिथ्या आरोप लगाया। एक तो वे सन्यासी हैं, सन्यासी होते हुए सौगंध खा रहे हैं। सन्यासी को सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं होती, सौगंध वे खाते हैं जिनके जीवन में मिथ्या हो, झूठ हो, और उसी बात को ऐसा लगता है कि सिद्ध कर दिया। गंगा की सौगंध खा करके महर्षि दयानंद जी के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोला कि महर्षि दयानंद जी रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, ये उनकी अल्प बुद्धि का ही परिणाम दिखता है, या किसी के षड्यंत्र के तहत उन्होंने बोला है, या आर्य समाज से या महर्षि दयानंद जी से वे अंदर अंदर द्वेष रखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे कभी भी इतना बड़ा मिथ्या आरोप नहीं लगाते। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है, उसके तीसरे समुल्लास में रामायण और महाभारत को पढ़ने का निर्देश किया। उसी सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में राजा को महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति का जो प्रकरण आता है उसको पढ़ने का निर्देश किया। संस्कार विधि के अंदर जो वेदारंभ संस्कार है वहां भी महर्षि दयानंद जी रामायण को पढ़ने का निर्देश देते हैं। ऋषि दयानंद जी ने कहीं भी रामायण और महाभारत को काल्पनिक नहीं कहा, लेकिन रामभद्राचार्य महर्षि दयानंद जी के ऊपर इतना बड़ा झूठा आरोप बहुत बड़ी जनता के सामने लगाते हैं, और साथ में हमारे विशेष विद्वान डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी का नाम लेते हुए बोल रहे हैं। डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी बहुत बड़े विद्वान हैं, ऋषि दयानंद जी के अनुयायी हैं। वे इतनी बड़ी भीड़ में और इतनी बड़ी व्यासपीठ पर बैठे हुए सन्यासी को कुछ नहीं कह रहे, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो आपकी बात को स्वीकार कर रहे हों, इसका तात्पर्य ये है कि वे शिष्टाचारी व्यक्ति हैं, शिष्टाचार के वसात आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है एकांत में आपको संकेत किया हो या करे, लेकिन आपने बहुत बड़ा पाप किया है, जघन्य पाप किया है, सन्यासी होते हुए वाणी से बहुत बड़ा मिथ्या बोला है। आप यदि ऋषि दयानंद जी को जानते होते तो महर्षि दयानंद जी किसी महामंडलेश्वर पद के चक्कर में नहीं आए। महर्षि दयानंद जी बहुत बड़े बड़े मठाधीश जो बना रहे थे उन मठों के चक्कर में महर्षि नहीं आए। कितने सारे प्रलोभन ऋषि के सामने आए हैं। जिस समय काशी के अंदर महर्षि दयानंद जी ने शास्त्रार्थ किया और बहुत सारे जो अपने आप को धुरंधर प्रकांड विद्वान पंडित मानते थे उनको धूल चटाई, उसके बाद राजा की सहमति से उन सभी बड़े बड़े विद्वानों ने महर्षि दयानंद जी को कहा था कि हम आपको शंकर का अवतार घोषित कर देंगे, लेकिन आप ये खंडन करना छोड़ दो, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हो इसको छोड़ दो। इतनी बड़ी पदवी आप ही के लोग उनको दे रहे थे कि हम महादेव का अवतार आपको घोषित कर देंगे, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए। इतने बड़े लालच को ठोकर मारने वाले केवल और केवल ऋषि दयानंद जैसे ही महापुरुष हो सकते हैं। आप विचार करना, महर्षि दयानंद जी ने कितनी ऊर्जा इस हिंदू कौम के अंदर दी,
और यदि कोई गलत हुआ तो केवल और केवल आर्य समाज आवाज उठाने के लिए दिखाई दिया। सन 1884 के अंदर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन रिटायर हुए तो वो इंग्लैंड लौट रहे थे। इंग्लैंड लौटने से पहले प्रयाग के अंदर, बनारस के अंदर, काशी बनारस, वहां उनकी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया लॉर्ड रिपन का उनके स्वागत में। और उस समय एक बहुत बड़ी घटना, जिसको हम दुर्घटना कहते हैं, जब काशी की गलियों में लॉर्ड रिपन की बग्गी चल रही थी, वहां के तथाकथित पंडों ने बग्गी को रुकवाया और बग्गी में से घोड़ों को हटा करके उस समय का जो विप्र वर्ग अपने आप को मानता था, अपने आप को कर्मकांडी और बड़े विद्वान मानने वाले थे, लॉर्ड रिपन की बग्गी को घोड़े हटा करके अपने हाथों से खींचा था। जो हमारे देश को गुलाम बनाए बैठे हों, जो हमारे देश को नष्ट करने के लिए, लूटने के लिए सारे के सारे नीतियां बना रहे हों, और ऐसे एक अंग्रेज की बग्गी को हमारे यहां का अपने आप को विप्र वर्ग कहलाने वाला, अपने आप को बड़ा विद्वान कहलाने वाला उसकी बग्गी को खींचता है, कितने बड़ी दुर्घटना थी, कितने बड़े अपमान की बात थी हमारे सनातन के लिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, किसी एक व्यक्ति ने इस बात का विरोध नहीं किया, केवल और केवल आर्य समाज के, उस समय के जो लाहौर आर्य समाज के प्रधान थे, उन्होंने लेख लिखा, लाला साईं दास, उन्होंने लेख लिखा था कि ये जो घटना घटी है ये हमारे सम्मान के लिए नहीं है, ये तो हिंदू समाज और सनातन का बहुत बड़ा अपमान है, और इन पंडों ने हमारी नाक कटवा दी। इतनी बड़ी घटना हुई, अन्य कोई नहीं बोला, केवल और केवल आर्य समाज बोला। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी सनातन के रक्षक हैं, सनातन को नष्ट करने वाले नहीं हैं। आपने कह दिया कि सनातन की बहुत बड़ी हानि हुई, हानि तो जिस तरह की गद्दियों पर बैठे हैं आप जैसे लोग, वे बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्य शास्त्र हैं उन सत्य शास्त्रों को उसी रूप में न देख करके अपनी मानसिक कल्पना के अनुसार देखते हैं। वेद परमात्मा की वाणी, वेद अपौरुषेय, वेद के अंदर परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए सब उन्नति के उपदेश कर रखे हैं, उन उन्नति के उपदेशों को न देख करके केवल और केवल वेद में अपनी मन की कल्पना के अनुसार इतिहास को देखने लग जाएं, और आप दम्भ भरते हैं कि मैं प्रत्येक मंत्र से रामायण निकाल सकता हूं। सन्यासी होकर के इतना बड़ा अहंकार शोभा नहीं देता। हमने आपके इंटरव्यू भी देखे हैं, उन इंटरव्यू में भी आपके इस तरह के बयान निकलते हैं कि मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने इतनी पुस्तकें लिख रखी हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आदि आदि। हम मानते हैं आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, पढ़ा है, लेकिन दम्भ भरना एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। और वेद के विषय में, वेद अपौरुषेय, परमात्मा की वाणी, वेद के अंदर इतिहास का लेस भी नहीं है, और आप उसमें से रामायण निकालने लग गए। रामायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र को आप वेद में थोप रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम को वेदों का ज्ञाता कहा है, वेदों का ज्ञाता श्री रामचंद्र जी हैं, वेद को पढ़ने वाले हैं, गुरुओं से उन्होंने पढ़ा, इसका मतलब अपनी ही जीवनी वो पढ़ रहे हैं। वेद को इस तरह से दूषित करना बहुत बड़ा पाप करना है, इसलिए आपने जो बयान दिए हैं वे बयान अशोभनीय हैं, वे बयान निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हैं और सनातन के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि
आज वर्तमान में यदि सनातन का सच्चा रक्षक कोई है तो केवल और केवल आर्य समाज है। आप विचार करना, जिस समय जाकिर नाइक जैसा बोलता था और आप ही के ग्रंथों में बहुत सारी दूषित बातें निकाल निकाल करके दिखाता था, उस जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति ने हजारों हजारों ब्राह्मणों के युवक युवतियों को, क्षत्रियों के युवक युवतियों को, वैश्यों के युवक युवतियों को मुसलमान बनाया। उसको चुनौती देने के लिए एक भी महामंडलेश्वर सामने नहीं आया, एक भी तिलकधारी स्कॉन वाले नहीं आए, एक भी तथाकथित जो अपने आप को बड़े बड़े पदों पर बैठा धर्मगुरु कहते हैं वो नहीं आए। जाकिर नाइक को चुनौती दी तो केवल और केवल आर्य समाज ने चुनौती दी। इसलिए आर्य समाज की आप निंदा करते हो, आर्य समाज की निंदा बहुत बड़ा पाप है। किसी पवित्र संगठन को दूषित करना या धूमिल करना ये जघन्य पाप के अंतर्गत आता है। आप गीता के जाता है, गीता के अंदर तो कहा है कि बुद्धि भ्रम फैलाना ये बहुत बड़ा पाप है, और आप बुद्धि भ्रम ही फैला रहे हैं। इसलिए हम सभी आर्य समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि रामभद्राचार्य को लिखित रूप में कहें कि वो क्षमा मांगे, उन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। एक इतने बड़े महापुरुष के ऊपर इतना बड़ा भीड़ के अंदर लांछन लगाना, मीडिया के सामने लांछन लगाना, या तो वो ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं या वे किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, कोई न कोई तो बात है। किसी ने प्रेरित करके उनसे कहलाया हो या स्वयं ही कुंठित हो, अपनी कुंठा को निकालने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, और उससे यदि ईर्ष्या हो जाए तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है और किसी न किसी प्रकार से अपनी कुंठा को प्रकट करता है। हो सकता है अपनी कुंठा आपने निकाली हो, लेकिन आपने जो कहा कि महर्षि दयानंद जी रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, ये आपने मिथ्या बात कही है। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप इस बात को सिद्ध कर सकते हो तो हम शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। आप सिद्ध करके दिखाएं कि ऋषि दयानंद जी ने कहां रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहा। महर्षि दयानंद जी ने वेद को वेद के रूप में देखा, शास्त्रों को शास्त्रों के रूप में देखा, इतिहास को इतिहास के रूप में देखा। आप लोग ने वेद को वेद की दृष्टि से देखते हो, शास्त्रों को शास्त्रों की दृष्टि से देखते हो, न ही इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखते हो, केवल और केवल अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर देखते हो। जब व्यक्ति अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर वेद को देखेगा, शास्त्र को देखेगा, इतिहास को देखेगा, तो निश्चित रूप से उनके साथ वह व्यक्ति अन्याय करता हुआ मिलेगा। वेद के साथ अन्याय आप लोग कर रहे हैं, शास्त्रों के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हैं, और इतिहास के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आप वेद को वेद की दृष्टि से नहीं देख रहे, शास्त्र को शास्त्र की दृष्टि से नहीं देख रहे, और इतिहास को इतिहास की दृष्टि से नहीं देख रहे। ये योग्यता तो किसी विरले व्यक्ति के अंदर ही होती है। महर्षि दयानंद जी ने ये काम किया, उन्होंने वेद को वेद की दृष्टि से देखा, उन्होंने शास्त्र को शास्त्र की दृष्टि से देखा, उन्होंने इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखा, मत पंथ संप्रदायों को मत पंथ संप्रदाय की दृष्टि से देखा। तो आप जो ये इतना बड़ा मिथ्या आरोप लगा गए हैं, या तो इसके लिए आप क्षमा मांगे, या आप शास्त्रार्थ के माध्यम से सिद्ध करें, और आर्य समाज के सभी लोग लिखित रूप में या अपने वाणी के वचनों के माध्यम से या वीडियो बना करके श्री रामभद्राचार्य जी को ये कहें कि आपने गलत किया है और इस गलत के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ओम।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।